हाल ही में कनाडा में एक ऐसी लोमड़ी का पता चला है जो बेहद दुर्लभ है। इसका नाम मिलेनिस्टिक है क्योंकि इसके शरीर का रंग काला और भूरा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के रंगों वाले जीव बेहद दुर्लभ ही पाए जाते हैं। यानी जब जानवरों की त्वचा के रंगों का पिगमेंटेशन कम होता है तब इनके शरीर का रंग हल्का या सफेद हो जाता है। उसी तरह त्वचा पर यदि ज्यादा गहरे रंग का पिगमेंटेशन हो तो जानवरों की त्वचा का रंग गहरा होता है। इसीलिए इन जैसे रंगों वाले जानवरों को मिलेनिज्म कहा जाता है। रंग काला और भूरा होने के कारण ये लोमड़ी देखने में बेहद ही खूबसूरत है। जब भी किसी जानवर के त्वचा का रंग ज्यादा काला होता है तब वो इसी तरह से दिखाई देते हैं। इनके फर भी काले हैं लेकिन इस लोमड़ी की खासियत है कि इसमें भूरा रंग भी मिला हुआ है, इसीलिए इसे क्रॉस फॉक्स भी कहा जाता है। इस प्रजाति की लोमड़ियाँ बहुत चतुर होती हैं। वैसे तो ये किसी का भी खाना खा लेती हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा मांसाहारी खाना पसंद होता है, मगर अगर इन्हें मांसाहारी भोजन नहीं मिलता तो ये फल फूल खाकर भी जिंदा रह सकती हैं। चूहा इनका पसंदीदा शिकार है जिसको ये गड्ढे में घुसकर निकालती हैं और खा जाती हैं। इस प्रजाति की लोमड़ी अपनी मौजूदगी के लिए एक खास तरह का गंध भी छोड़ती हैं। इस गंध से दरअसल समूह की सारी लोमड़ियाँ एक दूसरे की पहचान कर लेती हैं। ये लोमड़ी इसी गंध के कारण ही दूसरी लोमड़ी की ताकत का अंदाज़ा भी लगा लेती है और तब तय करती है कि लड़ाई लड़नी है या नहीं। बहरहाल जंगली जीवों के विषय में अध्ययन करने वाले जानकार बताते हैं कि अब क्रॉस फॉक्स आसानी से दिखाई नहीं देती है। पुराने समय में इनकी संख्या ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इनके फरों की मांग ज़्यादा होने से इनका शिकार ज़्यादा होने लगा और इनकी संख्या घटती चली गई। नतीजतन अब ये जीव लगभग विलुप्ति की कगार पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।